हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय वीडियो सीरीज पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया था। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। सो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस एक वीडियो के अंदर पूरी फंडामेंटल ड्यूटीज को अच्छे से आपको डिफाइन कर सकूं। सो शुरू करते हैं मेरे आज की वीडियो। मेरा नाम है अनंत और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल एनसीईआरटी स्टफ। हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज को कंटेन नहीं करता था। दूसरों शब्दों में मैं कहूं तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने वालों ने सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया था और उन्होंने शायद इसे नेसेसरी नहीं समझा था। हाउएवर, उन्होंने स्टेट की ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की फॉर्म में हमें देखने को मिल जाती है। बाद में 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया एंड 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। सो क्वेश्चन ये आता है कि हमने कहाँ से बोरो किया है फंडामेंटल ड्यूटीज को। जैसा कि आपको पता ही होगा, हमने अलग अलग फीचर्स को अलग अलग कंट्रीज से बोरो किया है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी हुई है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे दे दूंगा। सो आप वहाँ से उस वीडियो को देख लेना। सो हम दोबारा से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सो बेसिकली हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को USSR से बोरो किया है। अब आपको जान के ताजुब होगा कि USA, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसी मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में भी सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज को मेंशन नहीं किया गया है। बस जापान ही एक ऐसा कंट्री है जिसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया है। अब अगर सोशलिस्ट कंट्रीज के पर्सपेक्टिव में मैं अगर बात करूं, तो वो कंट्रीज फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज को इक्वल इम्पोर्टेंस देती हैं। इसलिए USSR ने यहाँ पर कहा है कि सिटीजन्स की राइट और उनकी फ्रीडम को उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज से सेपरेट नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बारे में। कांग्रेस पार्टी ने 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी को सेटअप किया सो दैट कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में रिकमेंडेशन दे सके। इसकी जरूरत कांग्रेस को इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे पड़ी। अब कमेटी की रिकमेंडेशन से कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया चैप्टर ऐड हुआ सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज के तौर पर। इसने यहाँ पर जोर दिया कि सिटीजन्स को अपनी फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने के साथ साथ अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को भी अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। सो कांग्रेस गवर्नमेंट ने कमेटी की रिकमेंडेशन को मान लिया और फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 हमारे सामने भी आया। इसने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट ऐड किया जिसे हम पार्ट 4A के नाम से जानते हैं। इस नए पार्ट में बस एक ही आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 51A, जिसके अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर यह कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्स्टिट्यूशन में ना होना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने वालों की सबसे बड़ी भूल थी और जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने वालों ने नहीं किया वो आज हमने कर दिखाया। दो, स्वर्ण सिंह कमेटी ने बस 8 फंडामेंटल ड्यूटीज सजेस्ट करी थी, बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया। अब एक फंडामेंटल ड्यूटी जिसको मिला के पूरी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 में ऐड हुई। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज कमेटी ने रिकमेंड करी थी लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। इनमें है, अगर कोई सिटीजन फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता है या उन्हें ऑब्जर्व करने से इनकार करता है तो पार्लियामेंट उर्वर पेनाल्टी या पनिशमेंट लगा सकती है, और ऐसा कोई भी लॉ जो पेनाल्टी या पनिशमेंट के लिए पार्लियामेंट बनाती है उसे किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता इस ग्राउंड पे कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी अलग प्रोविजन का उल्लंघन कर रही है। दूसरा प्रोविजन था कि टैक्स पे करना भी सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। आर्टिकल 51A के अकॉर्डिंग ये हर सिटीजन की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करे और कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज और इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करे, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करे। हर सिटीजन नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के नोबल आइडियाज को चेरिश और फॉलो करे। हर सिटीजन कंट्री की सोवरिजेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को बनाए रखे और उसे प्रोटेक्ट करे। हर सिटीजन अपनी कंट्री को डिफेंड करे और जब भी नेशनल सर्विस की जरूरत पड़े तो वो देश को अपनी सर्विस प्रोवाइड करे।
हर सिटीज़न अपने देश में हारमनी बनाए रखे और अपने देश के लोगों में भाईचारा बनाए रखे और उन प्रैक्टिसेस का त्याग करे जो कि एक डिग्निटी ऑफ वूमन के लिए अनादर सूचक हो। हर सिटीज़न कंट्री के कंपोजिट कल्चर की रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करे और उसे वैल्यू दे। हर सिटीज़न नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करे, जिसमें हमारे फॉरेस्ट, लेक, रिवर और वाइल्ड लाइफ आते हैं। हर सिटीज़न एक साइंटिफिक टेंपर को डेवलप करे, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म को डेवलप करे। हर सिटीज़न पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करे। हर सिटीज़न अपने आप में एक्सीलेंस की ओर जाए, सो दैट कि हमारा देश निरंतर हायर लेवल पर राइज होता रहे और अचीवमेंट्स पाता रहे। 6 से 14 साल के हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार मिले, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड हुआ था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के फीचर्स के ऊपर अब हम बात कर लेते हैं। कुछ ड्यूटीज़ जो यहाँ पर बताई गई हैं वो मोरल ड्यूटीज़ हैं और कुछ सिविक ड्यूटीज़ हैं। हिंदी में कहूँ तो कुछ नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। नैतिक कर्तव्यों के अंदर जैसे फ्रीडम स्ट्रगल के नोबल फीचर्स को चेरिश करना है, और नागरिक कर्तव्यों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो हमारे इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट है, हमारे रिलीजियन एंड प्रैक्टिस का पार्ट है। फंडामेंटल राइट्स सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों तक एक्सटेंड होती थी, बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिर्फ इंडियन सिटीजन तक ही सीमित हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के जैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इनके डायरेक्ट एनफोर्समेंट की बात नहीं करता है, और अगर कोई इनका वायलेशन करता है तो उन पर लीगल सैंक्शन भी नहीं लगाया जा सकता। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ की लिस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ को शामिल नहीं किया गया था, जैसे वोट डालना, टैक्स पे करना, फैमिली प्लानिंग और भी बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी ने भी टैक्स पे करने की ड्यूटी को रिकमेंड किया था। कुछ ड्यूटीज समझने में बहुत मुश्किल थी, जिनको आम आदमी नहीं समझ सकता, जैसे यहाँ पर नोबल आइडियल्स, कंपोजिट कल्चर, साइंटिफिक टेंपर का यूज़ किया गया है, जिसके डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस लगाए जाते हैं। अब क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर थी, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस नहीं मानी गई है, जबकि स्वर्ण सिंह कमेटी ने भी यहाँ पर इनके वायलेशन करने पर पेनाल्टी या पनिशमेंट का रिकमेंडेशन दिया था। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में होना चाहिए था, इन्हें पार्ट 4 में ऐड करने के बाद इनकी वैल्यू यहाँ पर थोड़ा सा घटी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इंपॉर्टेंस के ऊपर हम बात कर लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हर सिटीज़न को ये याद दिलाती हैं कि जब वो फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं तो उन्हें अपने देश के प्रति अपनी ड्यूटीज़ के लिए भी जागरूक रहना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए एक वार्निंग के रूप में काम करती हैं, जैसे नेशनल फ्लैग का जलाना और पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, इन सब के लिए ये एक वार्निंग का काम करती है। ये हर सिटीज़न के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स भी मानी जाती है, और इन्हें हर सिटीज़न द्वारा एक सोर्स ऑफ डिसिप्लिन और कमिटमेंट के तौर पर भी देखा जाता है। ये बताती हैं कि सिटीज़न सिर्फ दर्शक नहीं है, बल्कि वो नेशनल गोल को अचीव करने में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कोर्ट को किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने में हेल्प करती हैं। क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, इसलिए पार्लियामेंट इनको फॉलो ना करने पर अप्रोप्रिएट पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है। एचआर गोखले, जो कि उस समय के लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ रीजंस दिए हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों इनकॉर्पोरेट किया गया। वो कहते हैं कि जून 1975 में लोगों का एक वर्ग था जिसने लीगल ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने के लिए अपनी फंडामेंटल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए कोई चिंता नहीं दिखाई, तो इन लोगों के लिए जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। इंदिरा गांधी, जो कि उस समय की पीएम थी, उन्होंने कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऐड होने से डेमोक्रेसी और मजबूत होगी। उस टाइम अपोजिशन ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को स्ट्रांगली अपोज किया था, जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा लाई गई थी, लेकिन जनता पार्टी की सरकार, जो कि इमरजेंसी के बाद आई थी, उन्होंने इसे नहीं हटाया, बल्कि कुछ अमेंडमेंट करे और इसे कॉन्स्टिट्यूशन में रहने दिया, और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने राइट टू एजुकेशन को इसमें ऐड किया।
सो गाइस, हमारे आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाले चैप्टर को समझने में हेल्प हुई होगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए मेरी वीडियोज़ को, सो दैट कि और लोगों तक भी ये पहुँच सके और मुझे भी ग्रो होने में हेल्प हो सके।